नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टेनिस एल्बो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें हमारे कलाई और बाजू पर अधिक दबाव बनने या हिलने के कारण हमारी कोहनी के टेंडन में दर्द होने लगता है। दोस्तों टेनिस एल्बो के कारण होने वाला दर्द हमारी कोहनी के बाहरी तरफ होता है और यह दर्द बाहर से भीतर की तरफ फैल सकता है। दोस्तों टेनिस एल्बो के दर्द के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों टेनिस एल्बो के दर्द के कारण व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों उसकी कोहनी में इतना असहनीय दर्द होता है कि उसे दरवाजा खोलते वक्त, अपना पानी का ग्लास उठाते वक्त या फिर बालों में कंघी करते वक्त भी उसका हाथों में बहुत ही असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। मसल्स टेंडन पर अधिक दबाव बनने के कारण हड्डी को जोड़ने वाली सतहों पर खिंचाव का उत्पन्न होना इसका मुख्य कारण होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से और कोई चोट लगने के कारण या व्याधि विशेष में, जैसे कोई जो लोग मधुमेह के रोगी होते हैं उनको भी यह कोहनी में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आप योगासनों को अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों टेनिस एल्बो आजकल एक आम समस्या है। अगर आपके कोहनी में बाहर की तरफ लगातार दर्द बना रहे तो आप जान लें कि यह टेनिस एल्बो की समस्या है। दोस्तों इस समस्या का होने का मुख्य कारण यूरिक एसिड का बढ़ना भी होता है। टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इनका सबसे पहला अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे सब स्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है। मुट्ठी बांध लेनी है। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। जितनी जोर से आप मुट्ठी बांध सकते हैं मुट्ठी को बांध लेना है। फिर छटके से अपनी मुट्ठी को खोलना है। ऐसे अपने पूरे हाथ को ऐसे आगे को तानिए और फिर छटके से मुट्ठी को बंद करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों टेनिस एल्बो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें दर्द हमारी कलाई में, हमारी बाजू में और कोहनी में, पूरी हाथों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए छक्के से नीचे करना है। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और यह हमारे हाथों में दर्द, कलाई में दर्द, कोहनी में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे और सरल सहज अभ्यास हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधे हथेलियां ऊपर की तरफ कर लेनी है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऐसे अपने कंधों पर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए ऐसे ऐसे आना है। श्वास छोड़ते हुए सीधे। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है, क्लैप करना है और फिर पीछे क्लैप करना है। ऊपर ले जाना है और पीछे क्लैप करना है। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने इसी अभ्यास को आगे और पीछे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे आगे को क्लैप करना है, पीछे क्लैप करना है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे सीधे खड़े हो जाना है और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कान के पास से ले जाते हुए अपने
सिर के पीछे से ऐसे ले जाइए और लेफ्ट हथेली को भी पीछे से ऐसे ले जाइए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसी स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही इसे आप पहले 10 सेकंड फिर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे ऊपर से उठाते हुए राइट हथेली को भी पीछे से ऐसे ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 10 सेकंड फिर 30 सेकंड फिर 2 मिनट जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ जोड़ों और अंगों पर बहुत ही लाभकारी अभ्यास पड़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर श्वास, धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर पच्छे प्रणाम आसन को प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रणाम आसन को बना लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास कर रहे हैं। इसे करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कलाई, कोहनी, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है और यह टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप टेनिस एल्बो की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए आप अपने 10 से 15 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारी कलाई, कोहनी और बाजू में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।